हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सौंफ के शरबत की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सौंफ का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है कुछ फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ और एक नींबू, थोड़े से सौंफ, थोड़ी सी मिश्री, काला नमक और साबुत काली मिर्च और हरी इलायची। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेंगे एक ग्राइंडर जार, उसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच सौंफ। जहाँ तक हो सके आप लोग सौंफ बिल्कुल फ्रेश मीन्स हरे हरे जो होते हैं सौंफ, आप वही लीजिएगा, उससे आपका सौंफ का शरबत बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैं यहाँ पर 3 चम्मच सौंफ का पाउडर बनाने वाली हूँ, आपको जितना बनाना उतना आप ले सकते हैं। बस जितना आप सौंफ लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 चम्मच सौंफ लिया है तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच साबुत मिश्री डाल रही हूँ। अगर आप यहाँ पर चीनी का यूज़ करते हैं तो जितनी आप सौंफ लेते हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपको चीनी लेनी होगी। मैं यहाँ पर मिश्री ले रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने सौंफ से 1 चम्मच ज़्यादा मिश्री ली है। 4 से 5 चम्मच मिश्री आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 चम्मच मिश्री ली है और 3 चम्मच ऐड करेंगे ये साबुत काली मिर्च और इलायची। मैंने यहाँ पर 6 से 7 साबुत काली मिर्च ली है और 3 हरी इलायची ली है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये काला नमक, यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच काला नमक ले रही हूँ। ये बड़ी चम्मच है इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच लिया, अगर छोटी चम्मच लेते हैं तो 1 चम्मच काला नमक आपको इसमें लगेगा। बस अब हमें इसका फाइन पाउडर बना लेना है। ये देखिए, इसका फाइन पाउडर मैंने बना लिया है। अब हम इसे छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी दरदरापन हो रह जाता है सौंफ और मिश्री का। इस तरह से आप बड़ी या छोटी कोई सी भी छलनी ले लें और अच्छे से इस पाउडर को छान लें। सौंफ का सेवन आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। सौंफ हमारे पेट में ठंडक प्रदान करता है, ये हमारे पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर पे जिन लोगों को पेट दर्द होता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है पेट से रिलेटेड, उन सब में सौंफ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आप इसे गर्मियों के टाइम पर ख़ास तौर पर ज़रूर से पिए। देखिए, इस तरह से छलनी से आप हल्के हाथ से इससे पाउडर को छान लें और जो दरदरापन रह गया है इसे आप दोबारा से एक बार और मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लें, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें इसका। ये देखिए, मैंने इसे दोबारा से पीस लिया है। अब हम इसे छान लेंगे अच्छे से, हल्के हाथ से ही आप इसको छानें। ये देखिए कितना फाइन पाउडर बनकर बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। बस अब हम इसे एक किसी भी कांच के बाउल में भर कर रख लेंगे। आप इसे हफ्ते भर, 15 दिन, महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हो सके आप किसी कांच के बर्तन में ही, कांच के बाउल में ही, ढक्कन वाले बाउल में ही आप इसे स्टोर करके रखें, इससे कि यह लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से कांच के बाउल में इसे रख दिया है। अब मैं आपको 2 तरीके से सौंफ का शरबत बनाना बताऊँगी। सबसे पहले आप इस नींबू को 2 पार्ट में काट लें। ये देखिए, मैंने नींबू को 2 पार्ट में काट लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है कांच का ग्लास। अब सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच पाउडर, आपको 1 बड़ा चम्मच फुल भर के 1 ग्लास के लिए पाउडर ले लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू, आधे नींबू का रस, 1 ग्लास के लिए 1/2 नींबू का रस इनफ है। इस तरह से आपको नींबू को छान कर डालना है, क्योंकि हमने पहले से ही फाइन पाउडर लिया है, हम इसे बार बार नहीं छानेंगे। ये देखिए, 1/2 नींबू मैंने इसके अंदर निचोड़ लिया है। अब थोड़े से पुदीना के पत्ते आपको इस तरह से तोड़ कर डालना है, ताकि इससे बहुत ही अच्छे से सौंफ के शरबत के अंदर पुदीना और नींबू का फ्लेवर आ सके। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 आइस क्यूब, यहाँ पर मेरे पास बड़ी आइस क्यूब है इसलिए यहाँ पर मैं 2 आइस क्यूब ही डालूंगी। अगर आपके पास छोटी आइस क्यूब है तो 3 आइस क्यूब डाल लें, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए, 2 आइस क्यूब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर डाल देंगे हम चिल्ड वाटर। अगर आपके पास नींबू और पुदीना अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ 1 बड़ी चम्मच सौंफ का पाउडर लें और बिल्कुल चिल्ड वाटर के साथ आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और पी लें। आपके दूसरे तरीके का इंस्टेंट सौंफ का शरबत बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास नींबू और पुदीना अवेलेबल है तो आप 1 ग्लास के अंदर 1/2 नींबू और 2-4 पुदीने के पत्ते और सौंफ का मिश्रण डालें और अच्छे से मिक्स करें, आइस क्यूब डालें और इसे पी लें। ये देखिए, इस तरह से आप ढक्कन लगाकर किसी भी कांच के बाउल में इस सौंफ के पाउडर को स्टोर करके रख सकते हैं। ये महीने भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप दोनों तरीके से सौंफ का शरबत बनाकर पी सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।